अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएन कार्स ऑफ जजी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए व्यू लाया हूं टोयोटा प्राडो टीएक्सएल वेरिएंट का। ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है पाकिस्तान के अंदर। ये 2016 के अंदर ये वाली गाड़ी को इन्होंने लॉन्च किया था। लॉन्च तो नहीं किया था, वैसे इंपोर्ट करवाया गया था पाकिस्तान में। ये गाड़ियों को लॉन्च नहीं किया जाता, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती है, एसयूवी टाइप व्हीकल जिस तरह लैंड क्रूजर वगैरह इम्पोर्ट करवाया जाता है, उस तरह इन गाड़ियों को भी इम्पोर्ट किया जाता है। अब हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 20 मिलियन इस गाड़ी के प्राइस है। ये पुराना मॉडल है, इसके प्राइस 15 मिलियन भी हो सकते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, 2016 है। अब न्यू मॉडल की बात करें तो वो 25 मिलियन 30 मिलियन के राउंड अबाउट के अंदर आ जाए। जैसा कि लैंड क्रूजर के न्यू के प्राइस अब 8.5 करोड़ रुपए उसके प्राइस आ गए, फिर इस तरह करके हर गाड़ी के प्राइस इंक्रीज हुए। अब चले इस गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं। अगर हम लोग इसकी फ्रंट की लुक देखें तो नीचे हमें मिल जाते हैं फोग लैंप्स, ऊपर मिल जाते हैं हमें DRL के साथ हेलोजन लाइट नहीं मिलती, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हमें इसमें, और इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट पे ग्रिल की बात करें तो जैसा कि BMW में आपने ग्रिल देखी होगी, थोड़ी बहुत उससे मैचिंग करती है इसमें। साइड पे हमें ये शीशा मिल जाता है, ये हर पाकिस्तान में हर प्राडो वगैरह में मिलेगा आपको, कई कई लैंड क्रूजर में भी मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा तो कोई नहीं होता, कौन यूज़ करता है, साइड ग्लास नहीं कोई यूज़ करता। साइड ग्लास में हमें इंडिकेटर मिल जाता है, 360 व्यू कैमरा इसमें तो नहीं देते ये लोग। अब इसकी बैक की तरफ आए तो TXL की बैजिंग लगी हुई, टोयोटा की बैजिंग है। हम अभी जगह नहीं है तो अभी मैं आपको डिक्की इसकी बूट ओपन नहीं करके दिखा सकता, अभी स्पेस नहीं। अभी बैक साइड की तरफ आए तो इसमें लेदर सीट्स मिल जाती, जैसे कि महंगी गाड़ी है, 20 मिलियन 30 मिलियन के करीब आती है, इस वजह से इसमें लेदर सीट्स देते हैं। अब बैक स्पेस की बात करें तो 7 सीटें SUV है, अभी सीट्स इसकी निकाली हुई नहीं, तो इसमें 7 सीटर आती है और होती ही 7 सीटर है। उस तरफ बात करें तो इसके डोर्स में ब्लैक गार्निश के साथ इन्होंने दिए हुए पावर विंडोज़ इसके अंदर मिल जाती हैं। अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट दिखाऊँ तो फ्रंट भी इसका बहुत ही अग्रेसिव वगैरह इन्होंने बनाया हुआ। अब इंटीरियर में आते हैं, इंटीरियर में इसमें फ़ीचर्स वगैरह तो इन्होंने दिए हुए। अब इंटीरियर जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अब जैसे कि आप इसका इंटीरियर देखें, इंटीरियर भी माशाल्लाह इस गाड़ी का इन्होंने बहुत ही लुक वाइज अच्छा बनाया है। इसके इंटीरियर में जो कि इसका गैज है, जैसा कि स्पीडोमीटर भी कहते हैं, उस वो डिजिटल बनाए हुए, LED इसके अंदर नॉर्मल मिलती है, जिसके अंदर सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलते। गैब और इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। इसके हम लोग अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, डुअल जोन मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल। अब इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ आए तो यहाँ पे हमें मिल जा वायरलेस चार्जिंग तो नहीं मिलती, बस सामान वगैरह रखने की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पे 4x4 की ऑप्शन अगर आप ऑन करना चाहें, हैंड ब्रेक मिलती, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक तो नहीं इसमें मिलती, ये DC वोल्ट का चार्जर मिल जाता है यानी कि। अब ये इसमें बात करें तो फ्रिज मिलती है, जैसा कि प्राडो के अंदर हमें लाजमी और लैंड क्रूजर में इस तरफ फ्रिज मिलती है, इधर इन्होंने फ्रिज दी हुई। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया मिल जाते हैं। इंटीरियर इधर बात करें तो इसका 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर है। एयरबैग्स की बात करें तो एयरबैग्स भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं, जैसा कि कर्टन एयरबैग्स भी मिल जाते हैं इस पर, स्टेयरिंग पे और साइड पैसेंजर का और बैक पे भी कर्टन एयरबैग्स और नी एयरबैग्स मिल जाते हैं गाड़ियों में। अब इस गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर और क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स और बैक पे पार्किंग सेंसर्स, इस तरह करके इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। 360 व्यू कैमरा तो नहीं, बैक कैमरा इसके अंदर मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स और ओपन क्लोजिंग की ऑप्शन इसके अंदर मिल जाती है। इस तरह करके इसमें बहुत सारे हमें फ़ीचर्स वगैरह मिलते हैं, और इस गाड़ी में स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज मिल जाता है। इसके अगर हम लोग बैक ग्लास की बात करें, वो ऑटोमेटिक मिलता है, अगर हम लोग इसको ऑटोमेटिक भी ऑन कर ले तो पीछे से जो गाड़ी आएगी हमें ये इंडिकेट कर देगा कि गाड़ी आ रही है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें बैक ग्लास मिल जाता है पूरी गाड़ी को, अगर आप वॉच करना चाहें कि पीछे के लोग क्या कर रहे हैं, वो बच्चे जिस तरह खेल रहे होते हैं उसमें हमें पता चल जाएगा। अब इसमें हमें सनरूफ की भी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि अभी मैं सनरूफ आपको ओपन करके दिखाऊँ तो सनरूफ में भी इस तरह की ऑप्शन इसमें मिल जाती है, वो तो नॉर्मल गाड़ियों में आजकल मिल जाती है, लाइट की इधर ऑप्शन दी हुई है। तो ये थे इसके अंदर फीचर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।